नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अभी 2023 शुरू भी नहीं हुआ कि तुर्की ने समुद्र में अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। तुर्की काला सागर में तेल से लदे जहाजों को रोककर उनकी चेकिंग कर रहा है, जिससे कच्चा तेल लेकर आ रहे दुनिया के कई देशों के जहाज काला सागर में तुर्की की जल सीमा में फंस गए हैं। इसमें भारत के जहाज भी शामिल हैं। लाखों बैरल कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाने वाली कई जहाज समुद्र में अटके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिससे समुद्र में जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल तुर्की इन जहाजों में लगे तेल टैंकरों की बीमा कागजात की जांच कर रहा है। तुर्की के अधिकारी इन जहाजों से बीमा करने वाली कंपनियों के गारंटी कवर दिखाने की मांग कर रहा है। तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है, पूरा मामला मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की अगुवाई में कई देश रूस के कच्चे तेल की फिक्स प्राइस करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि महंगे दामों पर कच्चा तेल बेचकर रूस खूब पैसे कमा रहा है और इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर रूसी तेल की कीमत पर $7 प्रति बैरल की सीमा तय कर दी है। तुर्की नेटो का मेंबर है, इसलिए रूस किस दाम पर तेल बेच रहा है ये जिम्मेदारी तुर्की को सौंपी गई है। बस फिर क्या था, तुर्की ने काला सागर में कच्चा तेल लेकर गुजरने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। तुर्की ने मूल्य सीमा तय होने के बाद बीमा संबंधित नया नियम लागू कर दिया। अब तुर्की रूस से कच्चा तेल लेकर जा रहे जहाजों को रोककर बीमा कंपनी का गारंटी कार्ड चेक कर रहा है, जिससे पता लगाया जा सके कि जहाज पर लदा कच्चा तेल $7 प्रति बैरल या उससे कम कीमत पर खरीदा गया है। G7 देशों ने रूस के कच्चे तेल पर $7 प्रति बैरल का कैप लगा दिया है, यानी रूस का तेल इससे ज्यादा महंगा नहीं होगा। अब तुर्की द्वारा जहाजों के कागजात मांगने का नतीजा यह है कि 1.8 करोड़ बैरल्स के कच्चे तेल से लदे 20 मालवाहक जहाज कुछ दिनों से फॉस्फोरस से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। पहले तुर्की के अधिकारी ये कागज बीमा कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन चेक कर जहाजों को निकलने की इजाजत दे देते थे, लेकिन अब तुर्की ने ऐसा करना बंद कर दिया है और अब वे समुद्रों में जहाजों को रोककर चेकिंग कर रहे हैं। जो मालवाहक जहाज काला सागर में अटके हुए हैं उनमें से ज्यादातर यूरोप में कच्चा तेल लेकर जा रहे हैं। इसमें भारत का एक जहाज भी फंसा हुआ है जो भारत तेल लेकर आ रहा है। इन जहाजों में 10 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल लदा हुआ है। तुर्की के इस फैसले से कहा जा सकता है कि अभी 2023 आया भी नहीं और तुर्की ने समुद्र में दादागिरी दिखानी शुरू कर दी है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।